उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत एक बार फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि सीएम शिंदे से पंगा लेकर संजय राउत ने इस बार बड़ी गलती कर दी है। शिवसेना की कमान शिंदे गुट को मिलने के बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि उद्धव और राउत ये भूल गए थे कि बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व की पटरी पर दौड़ाकर यहां तक लाया था, लेकिन सत्ता की मोह में उद्धव ठाकरे और संजय राउत शिवसेना की विचारधारा को भुलाकर कांग्रेस और एनसीपी के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, आखिर में शिवसेना सही दावेदार के हाथ में चली गई, यानी कि एकनाथ शिंदे के हाथ में। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे के चहीते नेता संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि शिवसेना की कमान छिनने के बाद संजय राउत ऐसे झल्लाए कि वो सीएम शिंदे और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने लगे थे। हालांकि संजय की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, एक बार फिर से संजय राउत के लिए जेल जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि सीएम शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिंदे ने संजय राउत को पागल आदमी कहा। वहीं राउत के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज किया है। 19 फरवरी को संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम एवं निशान तीरधनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। राउत ने दावा किया था कि भाजपा के साथ मिलकर सत्तारूढ़ महाराष्ट्र सरकार ने पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों को खरीद दिया। उन्होंने कहा, पार्टी नेता और बेईमान गुट ने विधायकों के लिए 50 करोड़, सांसदों के लिए 100 करोड़ और हमारे पार्षदों को खरीदने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़ को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर धनुष चुनाव निशान आवंटित किया था। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सावरकर ने राउत के दावे का खंडन किया और सवाल किया, क्या संजय राउत खजांची है? महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुंगतीवार ने ये कहते हुए राउत पर पलटवार किया कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश के तहत ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने अब शिवसेना भवन पर भी धावा ठोक दिया है। ठाकरे गुट के नेता सदा सरवरकर ने कहा है कि शिवसेना भवन हमारे लिए एक मंदिर है, हमारे लिए पार्टी की हर शाखा एक मंदिर है। वहीं अब संजय राउत को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और एक बार फिर राउत पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।